दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित हुई। माता पार्वती की तरफ से कई सारे उच्च कुलों के राजा, महाराजा और शाही रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए, लेकिन भगवान शिव की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि वे किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे। तो फिर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कैसे सम्पन्न हुआ, आज के वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बतलाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह के रहस्य के बारे में बतलाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के वे शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी सुंदर घटना घटी। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। फ्रेंड्स, इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। भगवान शिव, जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहाँ मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहाँ पहुँचे। फ्रेंड्स, आम तौर पर जहाँ देवता जाते थे वहाँ असुर जाने से मना करते थे, और जहाँ असुर जाते थे वहाँ देवता नहीं जाते थे। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, मगर यह तो भगवान शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भुलाकर एक बार एक साथ आने का मन बनाया। भगवान शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता हैं, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए थे। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विक्षिप्त लोग भी उनकी विवाह में मेहमान बनकर पहुँचे। दोस्तों, यह एक शाही शादी थी, एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो माता पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म कर दिया तो वे सब उस ओर मुड़े जिधर वर अर्थात भगवान शिव बैठे हुए थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर भगवान शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधु का परिवार ताज्जुब करने लगा। क्या उनके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उनके वंश की महानता के बारे में बता सके? मगर वाकई कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहाँ नहीं आया था, क्योंकि भगवान शिव के परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों, गणों के साथ वहाँ विवाह करने आए थे, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाजें निकालते थे। वे सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्थाओं में लग रहे थे। दोस्तों, फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। भगवान शिव वहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह ना तो दुल्हन की ओर देख रहे थे, ना ही शादी को लेकर उनमें कोई उत्साह नजर आ रहा था। वह बस अपने गणों से घिरे हुए बैठे रहे और शून्य में घूरते रहे। वधु पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का अता पता ना हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था, मगर भगवान शिव वहाँ मौन बैठे थे। समाज के लोग, कुलीन राजा महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसका वंश क्या है, यह बोल क्यों नहीं रहा? हो सकता है कि इसका परिवार किसी नीची जाति का हो और इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही हो। दोस्तों, इतना सब चल ही रहा था कि फिर नारद मुनि, जो उस सभा में मौजूद थे, उन्होंने यह सब तमाशा देखकर अपनी वीणा उठाई और उसकी एक ही तार खींचते रहे। वह अपनी वीणा पर लगातार एक ही धुन बजाते रहे। इससे खींचकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। यह क्या बकवास है, हम वर की वंशशाली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वह कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं जिनका वंश का भी पता नहीं? और आप यह खिजाने वाला शोर क्यों कर रहे हैं? क्या यह कोई जवाब है? तब नारद मुनि ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं हैं। राजा ने पूछा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानते? तब नारद मुनि बोले, नहीं, इनके माता पिता ही नहीं हैं, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ है ही नहीं।
नहीं। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते नहीं जो अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यशाली स्थिति हो ही नहीं सकती। मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई माँ या पिता हो ही ना। तब नारद मुनि ने जवाब दिया, क्योंकि यह स्वयंभू हैं, इन्होंने खुद की ही रचना की है। इनके ना तो पिता हैं, ना इनकी कोई माता है। इनका ना कोई वंश है, ना परिवार। यह किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और ना ही इनके पास कोई राज्य है। इनका ना तो कोई गोत्र है और ना कोई नक्षत्र, ना कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। यह इन सब चीजों से परे हैं। यह एक योगी हैं और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, वह है ध्वनि। आदि शून्य प्रकृति ने जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए, उसके पहले ये कुछ नहीं थे। यही वजह है कि मैं यह तार खींच रहा हूँ। इतना कहकर नारद मुनि शांत हो गए। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी जानकारी माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह से जुड़ी हुई। और दोस्तों, अगर आपको इससे आगे की कथा भी सुननी है तो आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ताकि हम इस पर आगे भी वीडियो बना सकें। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।